वेलकम बैक टू पार्ट टू स्टूडेंट्स। तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। मेनी पीपल, इसमें क्या फिल किया जाएगा, वाज किल्ड या फिर वर्ल्ड किल्ड या इज किल्ड या हैव किल्ड। तो मेनी पीपल मीन्स होता है बहुत सारे लोग, और वर किल्ड बहुत सारे लोग इन द एक्सप्लोजन, मतलब कि एक्सप्लोजन में बहुत सारे लोग मारे गए। तो बहुत सारे हैं तो प्लूरल है, प्लूरल में हम हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं, वर के बाद हमेशा, हमेशा तो नहीं लेकिन ये पैसिव फॉर्म है। अगर देखा जाए सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस का है, तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो इसलिए 11 का ऑप्शन सी जो है मोस्ट सुटेबल होगा। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यू हैव टू लीव योर शूज़, आपको अपने शूज़ को निकालना होगा। द डोर व्हेन यू इंटर द हाउस, मतलब कि इन द डोर या फिर ओवर द डोर, टू द डोर, बाय द डोर। तो अगर आप ए सी और डी भरेंगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं, यू हैव टू लीव योर शूज़ ओवर द डोर व्हेन यू इंटर द हाउस, तो पूरा सेंटेंस आपका सही माना जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नाइदर ही नॉर आई प्रेजेंट देयर, ना कि वो और ना ही मैं वहाँ पे प्रेजेंट था। ठीक, तो ना ही वो था ना ही तुम थे, मतलब कि दोनों अब्सेंट थे, दोनों नहीं थे। तो दोनों का मतलब हो गया, दोनों अगर कहोगे तो दोनों हो गया प्लूरल। ठीक, जब प्लूरल होता है तब हम वाज और वाज नहीं लाते। ठीक, वाज नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, और आर तो हो सकता था लेकिन होगा इसलिए नहीं क्योंकि ये टेंस जो है ये पास्ट का है, क्योंकि तुमको पता है कि ना ही वो ना ही मैं वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो प्रेजेंट होना इस तरीके से बताता है कि ये सेंटेंस ही पास्ट का है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जब दोनों है तो दोनों के लिए वास तो आएगा नहीं, आर तो प्रेजेंट के लिए आता है लेकिन ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर आ जाएगा वर, मतलब कि नाइदर ही नॉर आई वर प्रेजेंट देयर। ठीक, आई के साथ वाज आता है मानता हूँ, लेकिन इस सेंटेंस में दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, ना ही तुम जा रहे हो ना ही वो जा रहा है, तो दोनों नहीं थे वहाँ पे। तो जब दोनों नहीं थे तो दोनों हो गया प्लूरल, प्लूरल में आता है वर, यहाँ पे आई को हम नहीं देखेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। टू एंड टू, दो और दो, तो दो और दो ये भी मिलके जो है प्लूरल हो गए, तो प्लूरल के साथ मेक आता है, यानी कि यस या यस नहीं आता है, तो यहाँ पे होगा टू एंड टू मेक फोर। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एडमोनिश, एडमोनिश की मीनिंग क्या होती है। सिनोनिम होता है कि सेम मीनिंग, एडमोनिश है होता है किसी को चेतावनी देना। तो अगर इसमें देखें तो इनकरेज है, एबडिकेट है, टू वार्म है, यही टू वार्न एन है, ये टू वार्न मिस होता है चेतावनी देना, और एडमोनिश मिस होता है चेतावनी देना। तो इसका सिनोनिम हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ परमिट, परमिट का एंटोनिम क्या है। परमिट का परमिट मिस होता है परमिशन का, ये वर्ब फॉर्म है, परमिशन होता है नाउन, परमिट है वर्ब, इसको हम परमिटेड परमिटेड कर सकते हैं सेकेंड और थर्ड फॉर्म के लिए। तो परमिट मिस होता है किसी को परमिशन देना कि हाँ तुम आ सकते हो, अगर मान लो बुलाना है उसको। तो इसका अपोजिट होगा, एंटोनिम होता है अपोजिट, इसका अपोजिट होगा फॉरबिड, मतलब कि मना करना कि तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, अगर तुमको मना करना है। तो परमिट और फॉरबिड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। You have seen him, तुमने उसे देखा है, क्या तुमने उसे देखा है। तो अगर तुम किसी से कहोगे कि तुमने उसे देखा है, क्या तुमने उसे नहीं देखा, इस तरीके से आप कहेंगे तो यू हैव सीन हिम, हैवेंट यू, तुमने उसे देखा है, क्या तुमने उसे नहीं देखा, आप दोबारा उससे पूछ सकते हैं अगर आप इस तरीके से कहेंगे। तो इस तरीके के सेंटेंस बोले जाते हैं कभी आप एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करें या फिर क्वेश्चन अजीब तरीके से पूछें, तो इस तरीके से पूछा जाता है कि यू हैव सीन हिम, हैवेंट यू, या फिर मैं कह सकता हूँ जैसे आई कैन डू दिस, कांट आई, मतलब कि मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं। इसी तरीके से ये भी सेंटेंस है, यू हैव सीन हिम, हैवेंट यू, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कन्वर्सेशन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है, अ डैश है ऑफ गीज वॉज हर्ड अ माइल अवे, मतलब कि वॉज हर्ड सुना गया अ माइल अवे, बहुत दूरी, एक माइल्स पहले ही आवाज़ सुनाई दी, किसकी, गीज की। तो गीज की जो आवाज़ होती है उसको इंग्लिश में हम गैगल कहते हैं, तो यहाँ पे जो फिल किया जाएगा वो गैगल होगा। जिस तरीके से बर्ड्स की आवाज़ को हम चर्प कहते हैं, डॉग्स की आवाज़ को हम बार्क कहते हैं, और हनी बी की आवाज़ को हम बजिंग कहते हैं, सेम इसी तरह गीज की आवाज़ को हम गैगल कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है, टॉलरेंस शुड बी
तो यहाँ पे आर्टिकल भरना है, टॉलरेंस शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल, यहाँ पे जो फिल किया जाएगा वो द फिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आई टॉक्ड टू अ गर्ल, मैंने एक लड़की से बात की, कार हैड ब्रोकन डाउन इन फ्रंट ऑफ द शॉप, जिसकी कार शॉप के सामने तोड़ी गई थी। तो यहाँ पे जिसकी का हो जाएगा इंग्लिश हुज, मतलब कि हुज कार, यहाँ पे जो फिल होगा वो हुज होगा। ठीक, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, सभी लड़के और सभी लड़कियाँ गिवन वैक्सीनेशन, सभी को वैक्सीनेशन देना चाहिए। तो यहाँ देखो एवरी गर्ल, यहाँ पे सिंगुलर है गर्ल ना, तो जब गर्ल सिंगुलर हो तो यहाँ पे हैज़ आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो फिल किया जाएगा वो हैज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। तो यहाँ से जो फिर किया जाएगा वो होगा आई कैन नॉट स्विम बट आई कैन प्ले, मैं तैर नहीं सकता लेकिन मैं खेल सकता हूँ। ठीक, इंग्लिश के क्वेश्चन को हमने ख़त्म कर लिया, अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो हिंदी के थे उसको। क्वेश्चन नंबर 23 से, इस दूध में कम पानी मिला है, तो ये पूरा सेंटेंस है, वाक्य है, तो इसमें कम जो है रेखांकित पद विशेषण के किस भेद का अंतर्गत आता है, मतलब कि रेखांकित पद जिसके नीचे रेखा खींची गई है, यहाँ पे लाइन खींची थी। ठीक, तो जिसके नीचे रेखा खींची गई है वो विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो कम जो है एक विशेषण है, और इस विशेषण को कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा क्या है, तो निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा क्या है, तो अपनापन एक है, जैसे अपनापन हो गया, दोस्ती हो गई, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक, 25 है, माता पिता में कौन सा समास है, तो माता पिता में जो समास है उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो अगर ऑप्शन कोई होता तो द्वंद्व समास होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है, नायक शब्द में कौन सी स्वर संधि है, तो नायक शब्द में कौन सी स्वर संधि है, तो नायक शब्द में जो स्वर संधि है वो है अयादि, इसको आप लोग ग्रामर या फिर हिंदी व्याकरण में डिटेल में पढ़ लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कंठ व्यंजन है, तो एक होता है कंठ व्यंजन, ठीक, तमाम जो व्यंजन पूरे हैं उसके अलग अलग नाम है, एक एक लाइन अलग अलग जो होती है उसके नाम है, तो जो ए लाइन है का खा गा घा अंगा, ये पूरी लाइन को हम कंठ क्या है बोलते हैं, कंठ व्यंजन बोलते हैं, तो कंठ व्यंजन इसमें से जो होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, तो खा जो इसमें है वही हमारा सही ऑप्शन है। ठीक, और देख लीजिएगा और किसको क्या बोलते हैं, एक एक लाइन अलग अलग लाइन जो रहती है सबको अलग अलग व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन तो ओवरऑल पूरे होते ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, दाल ना गलना मुहावरे का सही अर्थ है, तो दाल ना गलना का मुहावरे का जो अर्थ होता है वो ऑप्शन में देख के बताते हैं, तो ऑप्शन बी जिसमें है वो है सफल ना होना, तो दाल ना गलना का मतलब होता है सफल ना होना। 29 है, जो सबको समान दृष्टि से देखता है उसे कहते हैं, जो सबको हम समान दृष्टि देखता है मतलब कि कोई भेदभाव नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एक नयनी, एक मिस होता है आँख, नयन मिस होता है आँख, एक मिस होता है एक, नयन मिस होता है आँख, तो एक नयनी मतलब कि एक आँख से देखने वाला, तो सबको एक आँख से देखने का मतलब होता है कि सबको एक दृष्टि से देखना, कोई भेदभाव नहीं, कोई काला है तो कोई गोरा है, या फिर कोई गरीब है कोई अमीर है, तो किसी को कोई भेदभाव नहीं, सब एक हैं, तो जो इस तरीके का काम करता है उसको एक नयनी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, आलम आरा फिल्म की नायिका थी, तो आलम आरा एक फिल्म थी, तो इसकी नायिका कौन थी यही हमको बताना है, तो ऑप्शन बी जो है जुबैदा, तो इसकी नायिका जुबैदा थी। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है, इसको तो मैं पार्ट 4 से कंटिन्यू किया हूँ, तो पार्ट 3 जो है वो गैप बन जा रहा है, तो इसलिए मैं पार्ट 3 में एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है वो मिस हो गया था, तो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ, और बाकी जो पार्ट 13 तक ये सेशन जाएगा, तो पार्ट 13 में हम लास्ट में साइंस के क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो जो पार्ट 4 होगा उसमें सिर्फ मैथ के क्वेश्चन होंगे, वो भी सिर्फ एक क्वेश्चन, क्योंकि वो मिस हो गया है बाय मिस्टेक, तो उसको मैं सॉल्व करूँगा, तो बाकी पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।